हेलो एवरीवन, लेट्स स्टार्ट द एपिसोड 5 ऑफ डोरोरो। आज का एपिसोड बहुत ही धांसू होने वाला है, तो अंत तक बने रहे। जैसा कि हैगीमारू के कान आ जाते हैं, अब उसको हर तरीके की आवाज़ आने लगती है। यह अब तक का सबसे सेंसिबल ऑर्गन उसको मिला होता है, तो इससे वो परेशान हो जाता है। ये देख लड़की उसके कान पर कपड़ा बांध देती है ताकि हैगीमारू को ज़्यादा परेशानी ना हो। तभी एक डीमन बर्ड उसके ऊपर अटैक करती है। आगे देखिए, बुड्ढे ने तहलका मचाया और बर्ड को मार दिया। और अब वो बर्ड को पकड़ के खा जाते हैं सब बैठकर। अब हैगीमारू चैन से सो जाता है और सुबह उसको एक बहुत प्यारी आवाज़ आती है उसका पीछा करते हुए। Are you hurt? Is everything all right? लड़की हैगीमारू का हाथ पकड़ती है और उसे पता चलता है कि हैगीमारू को बुखार है, तो इसका इलाज करने के लिए वो उसे अपनी झोपड़ी में ले आती है। और हमें पता चलता है कि लड़की बहुत ही ज़्यादा काइंड हार्टेड है, उसने कई सारे ऑर्फन बच्चों को भी अपने साथ पाला हुआ है। और दूसरी तरफ राजा डाइगो अब बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं, क्योंकि उनके साम्राज्य में बारिश नहीं हो रही है, जिसके कारण वहाँ की फसल सूखने लगी। इससे किसान भी वहाँ के बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। मियो हैगीमारू के सिर पर पट्टी और उसे कुछ दवाइयाँ दे देती है। जहाँ पर मियो और उसके ऑर्फन बच्चे रहते हैं, वो जगह एकदम सेफ नहीं है। वहाँ पर कभी भी सैनिक आ सकते हैं और उन सबको मार सकते हैं, तो इसी वजह से वो वहाँ से निकलना चाहते हैं। और बुड्ढा एक नई जगह देखने जाता है, जहाँ पर जगह तो उसको अच्छी मिलती है, पर वहाँ पर एक डीमन गॉड बैठा रहता है जो कि बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है। अब बुड्ढा सारी बात आकर बताता है। हैगीमारू मियो को इशारा कर गाना गाकर सुनाने को कहता है, क्योंकि उसको मियो की आवाज़ बहुत ही ज़्यादा प्लीजेंट लगती है। I found a red flower and pulled it. I found a red flower for her. Where shall I place this crimson treasure? Nowhere other than in her hair. अब हैगीमारू और ओल्ड मैन उस डीमन गॉड को मारने के लिए निकल जाते हैं। और इधर मियो भी कहती है कि अब हम नई जगह पर शिफ्ट हो जाएंगे, तो इस वजह से मेरे को भी हार्ड वर्क करना पड़ेगा। और वो जो साइड में बच्चा होता है, वो कहता है कि मियो हमारे लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करती है, तो डोरोरो उसका पीछा करती है, और अगर वो ज़्यादा काम करेगी तो डोरोरो उसे रोक देगी। मियो ने बताया था कि वो सैनिकों के कैंट में काम करती है। और इधर हैगीमारू डोरोरो मियो का पीछा करते हुए यहाँ तक आ जाती है, और वो देख के सरप्राइज हो जाती है कि मियो एक प्रोस्टिट्यूट का काम करती है। आ, 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 आ,